नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और नव भारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हैं, दिग्गज एक्टर अरुण गोविल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी फिल्म आ रही है ओ माई गॉड 2। जब आपने फिल्म जब आप साइन कर रहे थे और जब किरदार पड़े, बिकॉज आपको एक पाँचवा दशक चल रहा है, इस समय जब लोग लिखते भी हैं ना तो थरथरा जाते हैं कि ये कहीं कट ना जाए, जब आप पढ़ रहे थे तो आपको क्या लग रहा था कि इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी होगी कभी? नहीं, कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, मैं इसे कंट्रोवर्सी नहीं मान रहा हूँ। ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये जागरूकता है। जागरूकता है, उसको कंट्रोवर्सी का नाम आप कैसे दे देंगे? नहीं दे सकते। आज हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, मान लीजिए, ठीक है, या हमारे मेंटली हमारे साइकोलॉजिकल हमारे चेंजेस होते हैं, तो उनके बारे में हम बात कर सकते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? वहां तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। एक डॉक्टर को हम अपने शरीर की सारी बीमारियां बताते हैं, हर तरह की, जो हम शायद अपने दोस्तों को भी नहीं बताते, अपने परिवार में भी नहीं बताते, उनको बताते हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, है ना। मैं ये कहता हूं कि अगर वो बातें जो हमें कल को परेशानी हमारे लिए क्रिएट कर सकती हैं, अगर वो हमें पहले पता हो जाए ठीक से, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी खराबी है, कोई भी परेशानी वाली बात है। आप जितना अपने किरदार के बारे में दिलचस्पी बनी भी रहे और दिलचस्पी मतलब जो जानना भी चाहते हैं दर्शक को बताना ज़रूरी भी है उतना, क्योंकि वो नकारात्मक और सकारात्मक के बीच में जो ग्रे में आपका किरदार उलझा हुआ है और सवाल पूछ रहा है, वो है क्या, जितना आप बता सकते हैं? नहीं, आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया है, ग्रे नहीं है ये किरदार, ये एक प्रैक्टिकल किरदार है। देखिए, उनके स्कूल्स हैं, वो चलाते हैं स्कूल्स को, बिल्कुल मंदिर की तरह मानते हैं। वो कहते हैं कि जैसे अपने कपड़ों पर एक धब्बा गिर जाता है तो कितना ख़राब लगता है, ऐसे ही मेरे स्कूल की इमेज पर कोई भी धब्बा नहीं होना चाहिए, और अगर लग गया है तो उसको दूर करने के लिए जो उन्हें करना चाहिए वो करेंगे, लेकिन वो मर्यादा में रह के वो भी कर रहे हैं। स्कूल जिसे वो मंदिर मानते हैं, अगर वहाँ कोई ऐसी घटना होती है तो उन्हें नेचुरली परेशान तो करेंगी। स्कूल को ही नहीं मंदिर मानते, वो भगवान को भी मानते हैं, है ना, धर्मप्रिय भी है वो व्यक्ति, तो प्रैक्टिकल है। और दूसरी बात, आज वो स्कूल चलाते हैं तो स्कूल चलाना एक कमर्शियल वेंचर है, इससे तो ना नहीं कर सकते आप, उन्हें उसको भी देखना है। तो एक ऐसा इंसान जैसे अपने स्कूल की इमेज भी देखनी है, कमर्शियल वेंचर भी देखना है, नाम भी देखना है, बच्चों को भी देखना है कि आगे बच्चों को क्या दिया जाना चाहिए, क्या नहीं दिया, क्या उन्हें बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ये एक प्रैक्टिकल इंसान जो है वो कर सकता है। ये ग्रे तो ये होता है कि नहीं, मैं किसी भी कीमत पर कुछ भी कर दूंगा, नहीं, तो दिस मैन इज़ नॉट ग्रे, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। आध्यात्मिकता का सही मतलब आपके नज़रिया, मतलब आपका, आप किस रूप में भगवान को मानते हैं, साकार आकार? नहीं, मैं परमात्मा को दोनों रूपों में मानता हूँ, मैं साकार रूप में भी मानता हूँ और परमात्मा को मैं निराकार रूप में भी मानता हूँ। बिकॉज साकार रूप में हम उनकी पूजा करते हैं, ठीक है, निराकार रूप में हमें उनकी कृपा मिलती है, तो मैं दोनों रूपों को मानता हूँ। विट्ठल के किरदार में आप नजर आएंगे क्या? हाँ, विट्ठल एक फिल्म है संत तुकाराम, हाँ, तो उसमें संत तुकाराम के जीवन में एक पल आता है जब विट्ठल जो हैं वो मनुष्य का अवतार लेकर उनसे मिलते हैं। हाँ, क्या बात है, तो वो इट्स अ स्पेशल अपीयरेंस बेसिकली, तो पर वो मैंने अभी रिसेंटली वो किया था, वो बहुत कीन थे कि नहीं, हमें इस समय इस रोल के लिए आपसे ज़्यादा उचित व्यक्ति कोई और दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम चाहते हैं कि प्लीज़ आप कर लें इसको, तो इट्स एन स्पेशल अपीयरेंस बेसिकली। अंतिम सवाल है, टीवी पर, फिल्मों में, ओटीटी में, किस रूप में, क्या किस तरह के काम में आप आना चाहते हैं? बिकॉज बहुत चूजिंग, आपने पहले दो सवाल भी मैंने पूछा तो आपने उसको किया कि भविष्य बता नहीं सकते, लेकिन जो कुछ साइन कर रखा हो और आपको लगता है बता सकते हैं, या आपके मन में हो कि मैं इस तरह के ही रोल करना चाहता हूँ? नहीं, कोई पर्टिकुलर रोल ऐसा नहीं है कि मुझे यही करना है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि वो लोग जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जो जिन्होंने इतने सालों से जो मुझे मिला है उनसे, मुझे नहीं लगता कि वो किसी को भी मिलता है, सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो किसी को भी मिलता है,
तो मेरे किसी भी कर्म से, मेरे किसी भी वचन से, मेरे किसी भी रोल से, मेरे किसी भी शब्द से उनका जो प्रेम है मेरे प्रति, जो उनकी श्रद्धा है मेरे प्रति, वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। दैट्स ऑल आई वॉन्ट। मैं राम जी से यही प्रार्थना करता हूं कि मुझसे कोई भी ऐसा काम मत कराना, ऐसा कोई भी शब्द मेरे से मत बुलवाना जिससे जो वो लोग जो इतना प्यार करते हैं, जो इतनी इज्जत करते हैं, उनके मन में मेरे लिए कभी भी इतनी सी भी कोई बात है। दैट्स ऑल। कोई सवाल जो मैंने पूछा ना हो, लेकिन आपकी फिल्म आ रही है और दर्शकों से सीधी आपकी बात, तो वो नहीं, जैसा मैंने बताया, फिल्म एक मैसेज को लेकर आई है और वो मैसेज हमारे लिए ज़रूरी भी होता है। तो फिल्म देखिए, अच्छी इंटरटेनिंग फिल्म है मैसेज के साथ साथ, और एक्टर्स सभी अच्छे एक्टर्स हैं, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी वो फिल्म। और जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई है, जो लोग, जो पूरी टीम है, उसके लिए भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।